एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन। आज हमारा टॉपिक है कि जिस तरह से आप पावर रूल जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर एन के, तो एक पावर रूल के तहत आप क्या करते हैं कि जब आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन जो है वो आगे आ जाता है और एन में से एक माइनस वन कर देते हैं। तो देखें, इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कहते हैं इसके बराबर है। इसे हमें प्रूव करना है और इसे हम तीन मेथड से तकरीबन प्रूव करेंगे। एक तो आप लोग मेथड जानते हैं, वही आपका जो पुराना मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ मेथड्स हैं उसके तहत हम प्रूफ करते हैं। तो नंबर वन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इसे पहले प्रूफ कर रहे हैं। नंबर वन मेथड से आप किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखें भाई। अब जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर एन के, तो देखें मैं यहाँ पर अगर एक काम करूँ कि एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को एक साथ कॉल कर लूँ सिर्फ एक ही साइड पर, तो देखें अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को एक साइड पे कॉल करता हूँ, तो ये जो पावर एन है, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल लॉग दोनों एक साथ एंटी लॉग होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये एन को उठा के बाहर रख देगा इधर, तो देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स एन एल एन एक्स, तो ये इसके बराबर हो गया, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर एक्सपोनेंशियल है उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं आप, कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल लेता है और पावर को नीचे ला के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन। यहाँ पर अब हम यही काम करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखें मैं किस तरह से इसके ऊपर ये प्राइम लगा सकता हूँ या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दूँ। अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एल एन एक्स, ये तो ऐसे ही रहा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहता है जैसे यहाँ पे। अब पावर को नीचे ला के डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर मैं इसे नीचे ला के डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखें एन तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखें एल एन एक्स के ऊपर अब प्राइम लगा दिए यानी डिफ्रेंशिएट किया तो वो बनता है वन ओवर एक्स। तो अब देखें अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एन तो ऐसे ही रहेगा, पावर को नीचे ला के डिफ्रेंशिएट करें, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। अब देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर एन एल एन एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, एक्स की पावर एन के। तो देखें अगर मैं यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स ऐसे ही लिखा, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह या इसकी जगह ये लिख दूँ एक्स की पावर एन लिख दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है, और ये हो गया आपके पास एन अपॉन एक्स। तो देखें अगर मैं इस एक्स को ऊपर ले जाऊँ, इस एन को पहले लिख दूँ, एन को मैंने क्या किया पहले लिख दिया और एक्स को ऊपर ले गया, तो ये एक्स की पावर एन और ये इन्वर्स हो जाएगा ये एक्स की पावर माइनस वन, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए ये प्रूव हो गया। अब हम इसको मेथड टू से करते हैं। अब देखिए मैं इसे मेथड टू से कर रहा हूँ। अब मेथड टू से मैं किस तरह से करूँगा, मेथड टू में देखें अगर मैं जो है ये जो दोनों फंक्शन हैं इनके बोथ साइड लॉग ले लूँ, पहले मेथड में मैंने क्या किया था एक्सपोनेंशियल लॉग ले लिया था एक साइड पे, अब यहाँ मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया एल एन फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पर भी ले लिया एल एन लॉग ले लिया एक्स की पावर एन, बोथ साइड पे लॉग ले लिया। अब आपको बताइए क्या होगा, एन आगे आ जाएगा और एल एन एक्स बन जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, एल एन फंक्शन ऑफ एक्स, इसके ऊपर प्राइम लगा दिया और क्या होगा, आपको पता है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एल एन एक्स का डेरिवेटिव होगा वन ओवर एक्स। अब ये जो ये है एल एन प्राइम ऑफ एक्स, अब देखें अगर आपने देखा होगा कि फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल की लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें एक फार्मूला इस तरह से लिखा होगा, एल एन प्राइम फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है जो भी फंक्शन होता है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल यही फार्मूला देखें ऊपर भी लिखा हुआ है कि एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो ये एल एन एक्स एल एन प्राइम ऑफ एक्स, तो इसको इस फार्मूले को इस तरह से लिख दिया। तो ये फार्मूला लिस्ट कहाँ पर है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल की लिस्ट में ये मौजूद है, ठीक है। तो अब देखें इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा ये वाला फार्मूला कि भाई इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिया, ये हो गया एन अपॉन एक्स। देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई कराने के लिए भेज दूँ, तो अब मैंने लिखा इधर एफ प्राइम ऑफ एक्स
यह आपके पास आ गया n फंक्शन ऑफ x अपॉन x। देखिए फंक्शन ऑफ x क्या था आपके पास, फंक्शन ऑफ x बराबर था आपके पास x की पावर n के, तो इसकी जगह x की पावर n लिख सकता हूँ। तो देखें ये तो n हो गया, इसकी जगह मैंने लिख दिया x की पावर n, और ये x नीचे है, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस वन बन जाएगा। देखें ये भी प्रूव हो गया। अब हम वही फर्स्ट प्रिंसिपल जो है आपका थर्ड मेथड उससे करते हैं। अब देखें वही फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत अगर हम इसे प्रूव करें कि इसके बराबर है, तो आपको पता है कि क्या फार्मूला होता है कि अगर आपने प्राइम लगाया, डिफरेंशिएट किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें एच का इजाफा हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा और डिवाइड बाई एच हो जाएगा। तो बिल्कुल अब हम इस फॉर्मूले को ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर अगर मैं इसे प्राइम लगा दूँ यानी डिफरेंशिएट कर दूँ, ये आपके पास क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल यानी थर्ड मेथड। तो देखें यहाँ पर होगा क्या, ये तो लिमिट आ गई आपके पास, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब इसके अंदर इजाफा होगा आपके पास, एक्स प्लस एच का इजाफा कर दिया आपने और ये एन हो गया, माइनस कहता है माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ही आपके पास एक्स पावर एन है और डिवीजन के अंदर आपके पास क्या है एच। अब देखें इसे मैं बाइनरियल एक्सपेंशन से खोल सकता हूँ, तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स चल रहा है, लिमिट मौजूद है एच टेंस टू ज़ीरो। अब इसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल दीजिए, तो देखें क्या होगा भाई, एक्स की पावर एन हो गया प्लस क्या होगा अब दूसरा, ठीक है एन आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया, एच की पावर वन हो गई और डिवीजन में क्या आ जाएगा, ठीक है वन फैक्टोरियल। और ये मेन डिवीजन साथ चल रहा है, याद रखिएगा ये मेन डिवीजन क्या है आपके पास, एच मौजूद है मेन डिवीजन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हुआ, एन एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू और एच स्क्वायर हो गया अपाउन यहाँ पर क्या है टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा। और आखिर में क्या बचेगा खाली आपके पास, एच की पावर एन बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया समझ लीजिए, ठीक है। और ये माइनस का आपके पास क्या है, एक्स की पावर एन ये मौजूद है और ये समझ लीजिए ये एच जो है डिवीजन के अंदर सबके नीचे है। अब देखिए डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो ये पलट के इधर आ जाएगा, और अगर पहले मैं ये ब्रैकेट खोल दूँ, ब्रैकेट खोलूँ तो एक्स की पावर एन माइनस और ये एक्स की पावर पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखें लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसको अभी यहीं रहने दीजिए, एक्स की पावर एन हुआ ठीक है प्लस ये हो गया एन, एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है ये एच हो गया अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर प्लस सो ऑन एच की पावर एन और माइनस एक्स की पावर एन। और ये मेन डिवीजन के अंदर क्या चल रहा है आपके पास, एच, इस तरह से सो ऑन ये चलता ही रहेगा। अब ये एक्स की पावर एन पॉजिटिव है और ये एक्स की पावर एन नेगेटिव है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया ठीक है। अभी जब कैंसिल हुआ तो अब आप देखें लिमिट सबके साथ जाएगी, और ये देखें एच ये जो है इसके नीचे भी है, एच इधर भी है, एच स्क्वायर है, यहाँ एच है, यहाँ एच की पावर एन है और यहाँ एच है, तो ये जो एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो होगा क्या कि देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर हो गया ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एच से ये एक एच कैंसिल हो गया और नीचे क्या बचा यहाँ पर खाली वन फैक्टोरियल प्लस ये हो गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो गया आपके पास एन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, देखिए एच स्क्वायर है और यहाँ एच है, ये इसके नीचे भी होगा क्योंकि प्लस के निशान है सबके साथ चलेगा, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया टू फैक्टोरियल और एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो गया तो खाली एक एच बचा एन प्लस सो ऑन चलता रहा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एच की पावर एन है और यहाँ एच, एक एच कैंसिल हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एच की पावर एन माइनस वन। अब देखें जहाँ जहाँ मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ कि एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ एच मौजूद है ये ज़ीरो हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या खाली, यहाँ पर अगर मैंने लिमिट अप्लाई की यहाँ तो एच है ही नहीं, तो ये बचा खाली आपके पास एन
एक्स की पावर एन माइनस वन, फन फैक्टोरियल मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, प्लस ये हो गया ज़ीरो, प्लस सो ऑन, ये भी हो गया ज़ीरो। तो देखें ये प्रूव हो गया आपके पास कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इसके बराबर है, एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर है इसके एन एक्स की पावर एन माइनस वन के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।